भोजन का आनंद ले रहे हैं या श्रृंगार कर रहे हैं। यह डोनट आपको भ्रमित करेगा और होंठों की चमक धड़कन को तेज कर देगी। मेकअप को भोजन में बदलने के लिए हमने दो कमजोर भागों को जोड़ने का फैसला किया। लिपस्टिक को हॉट डॉग में, संगोपक को कपकेक में और नाखून रोगन को मुर्गी की टांग में। सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य उत्पाद आज के मेनू में है। मेरी दोस्त व्यापार और खुशी को मिलाती है। वह अपना स्वादिष्ट भोजन करती है और उसी समय श्रृंगार भी। यही कारण है कि मेरा श्रृंगार बैग हमेशा टुकड़ों से भरा रहता है और मेज इतनी अव्यवस्थित है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ क्या रखा है। लेकिन मुझे पता है सबक कैसे सिखाना है। मैं एक विशेष हॉट डॉग लेती हूँ। हमें एक तरल लिपस्टिक की आवश्यकता होगी। कागज से सर्कल काट लें। लिपस्टिक के अनुरूप एक छेद बनाएं और इसे एप्लीकेटर और कंटेनर के साथ कैप के बीच रखें। कागज की अंगूठी को मजबूत करने के लिए ढक्कन को कसें। लाल रंग की मुलायम मिट्टी गूंदें। इससे लिपस्टिक को कवर करें। इसे एक सॉसेज का आकार दें। टोपी और कंटेनर के शेष हिस्से को अलग से कवर करें। कागज की अंगूठी को मिट्टी अलग करने दें। एक चाकू और आकार देने वाली छड़ी के माध्यम से सॉसेज को स्क्रैच करें। मुलायम मिट्टी से हॉट डॉग बनाएं। बेज और मटमेला और पीले रंग का प्रयोग करें। सॉसेज के लिए छेद बनाओ। जब मिट्टी सूख जाती है तो स्पंज का उपयोग कर आवश्यक रंग से बन को रंग करें। इसे प्राकृतिक रंग करें। एक्रिलिक पेंट के साथ भूरे लाल रंग से सॉसेज को रंग करें। हरी लकीर को निर्धारित करें। चर्म पत्र पर गर्म गोंद से जिगजैग बनाएं। इसे रंग करें ताकि यह सरसों की तरह दिखाई दे। इसे चर्म पत्र से निकालें और सॉसेज से संलग्न करें। लिपस्टिक को निकालने के लिए सरसों को काटें। सॉसेज को बन में रखें। मैं दोस्त को हॉट डॉग की दावत दे रही हूँ। वह नाश्ता करना चाहती है लेकिन आज उसके लिए कुछ नया है। सॉसेज मांस से नहीं बल्कि तरल लिपस्टिक से बना है। पहले तो वह संतुष्ट नहीं हुई। तुमने जो कार्बोहाइड्रेट का वादा किया था वो कहाँ है? लेकिन फिर उसने फैसला किया कि लिपस्टिक सॉसेज से ज्यादा उपयोगी है। नीली आँखों वाली लड़की एकमात्र नहीं है जो श्रृंगार को भोजन बना देती है। रेड हेड श्रृंगार बैग में एक रहस्यमय केला रखा है। एक इत्र के कंटेनर के आकार को मापें और फोम के प्लास्टिक केले पर निशान अंक बनाएं। इसे आधे से काटें। दोनों हिस्सों में एक लकड़ी से छेद बनाएं। मोमबत्ती से चाकू गर्म करें और छिद्र के अनुसार छेद बनाएं। पीले टुकड़ों को रंग करें। सुपर ग्लू से इत्र की शीशी को ढक दें और इसे केले के निचले भाग में डाल दें। ढक्कन की जगह सिरे पर रखें। नीली आंखों वाली लड़की आखिरकार खुश है कि उसके दोस्तों ने अपनी मेज पर कुकीज तोड़ दी है। अब वह आसानी से उसका मेकअप कर सकती है। लेकिन यह क्या, ऐसा लगता है कि श्रृंगार थैली लंच बॉक्स में बदल गई है। किसी ने पहले से ही केले को काट दिया है और इसमें इत्र छुपा रखा है। आज के मेरे सौंदर्य मेनू में एक तला हुआ अंडा और एक तला हुआ चिकन है। सौंदर्य भी स्वादिष्ट हो सकता है। सूखी मिट्टी को गूंधे, अपने पानी वाले हाथों से करें ताकि मिट्टी अधिक लचीली हो और नेल पॉलिश के ढक्कन के चारों ओर चिकनी हड्डी जैसा आकार दें। शीशी के आसपास चिकन मांस बनाएं। पानी का उपयोग कर सतह को चिकनी करें। स्पंज के खुरदुरे भाग में रचना बनाएं और इसे सूखने दें। स्पंज के नरम भाग में एक्रिलिक रंग मिलाएं और चिकन के पैरों को रंग करें। हड्डी को रंग करें और पारदर्शी पॉलिश से पैर स्प्रे करें ताकि चमकदार दिखें। नीली आंखों वाली लड़की अपने नाखून रंगने के लिए तैयार है और रेड हेड कहाँ है? उसे तला हुआ चिकन दिख रहा है। वह रुक नहीं पाएगी। यहाँ तक कि उसके दांत भी मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन यह चिकन दांतों के लिए नहीं है। नीली आंखों वाली लड़की रहस्य बताती है। इस चिकन का कंकाल नेल पॉलिश से बना है।
फिर उसकी दोस्त तला हुआ अंडा चखने को कहती है। ताज़ा, चमकदार और सुंदर चर्म पत्र पेपर पर गर्म गोंद के साथ धब्बा बनाएं। यह अंडे की सफेदी है। अंदर गोल आई शेडो संलग्न करें। सफेद एक्रिलिक पेंट से सफेद रंग करें। चर्बीदार क्रीम के साथ चित्रकार प्लेट पर साफ आवरण करें। गर्म गोंद के साथ भरें और ऊपर से पात्र का ढक्कन दबाएं। सूखने पर प्लेट से गर्म गोंद निकालें और आई शेडो बंद करें। जर्दी को पीला रंग करें। गहरे रंग से धारा परिभाषित करें। सूखने पर चमकदार रोगान करने के लिए पूरे अंडे पर स्पष्ट पॉलिश के साथ स्प्रे करें और इसे चर्म पत्र पेपर से बाहर निकाल दें। फिर भी रेड हेड अपने दोस्तों की चाल के लिए तैयार है। वह निश्चित रूप से तला हुआ अंडा नहीं खाएगी। वह जर्दी खोलती है और अंदर सुनहरी आंखों की छाया पाती है। यह निश्चित रूप से कुछ जर्दी वर्णक है। दोस्तों ने सुशी को आदेश दिया है। रेड हेड सही मौके की तलाश में है कि कब उसकी दोस्त फोन पर मशगूल हो जाए। उसे जल्दी करनी चाहिए अगर वह रोल खाना चाहती है तो। रेड हेड ने पूरे सेट को कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया, लेकिन वह अब भी अपने दोस्तों के लिए कुछ रखना चाहती है और उसने एक विशेष जापानी व्यंजन रखा। सफेद पट्टियों को छोटे भाग में काट लें। चावल के दानों को रोल करने के लिए पेपर गोंद का प्रयोग करें। चमकदार कंटेनर के ढक्कन के लिए चावल को गर्म गोंद लगाएं। काले कपड़े की एक पट्टी का आकलन करें। पट्टी की चौड़ाई कंटेनर की ऊंचाई के समान होनी चाहिए। पट्टी को आधी काटें और पात्र को गर्म गोंद चिपकाएं और ढक्कन लगाएं। चावल के शीर्ष पर नारंगी और बेज गेंदों को संलग्न करें, जैसे कि यह लाल कैवियार है। समापन के लिए दो हरे कपड़ों की पत्तियों को संलग्न करें। अंत में नीली आंखों वाली लड़की आखिरी रोल का स्वाद लेने जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह समुद्री भोज व्यंजन नहीं है। उसके दोस्त ने चमक के लिए एक सुशी मास्करेड की व्यवस्था की है। कंटेनर निश्चित रूप से रचनात्मक है। और कौन होगा जो स्वादिष्ट डोनट और पुतली का आनंद लेना नहीं चाहेगा। हमारे डोनट पाउडर के साथ सब कुछ संभव है। एक पाउडर कॉम्पैक्ट पर लेख छुपाएं और बालों वाला डोनट संलग्न करें। इसे चमकीला दिखाने के लिए गर्म गोंद के साथ कवर करें। गोंद सूखने पर भूरे रंग के एक्रेलिक पेंट की परत के साथ डोनट को ढकें। सिरे पर छिड़काव करें। रेड हेड एक टेबल पर एक स्वादिष्ट डोनट देखता है। यम, स्वादिष्ट मिठाई आकर्षक लग रही है, लेकिन ये पता चलता है कि नर्म आटा के बजाय डोनट पाउडर से बना है। यह दुखद है। चॉकलेट के साथ पाउडर अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ नीली आंख वाली लड़की आसानी से उसका श्रृंगार खत्म कर पाएगी। रेड हेड ने असामान्य कपकेक बनाया है। एक संगोपक अंदर भरा हुआ है। वह इसे बाथरूम शेल्फ पर रखती है ताकि नीली आंखों वाली लड़की मिठाई का आनंद ले सके। गर्म गोंद के साथ एक सिलिकॉन कपकेक मोल्ड भरें। इसके अंदर संगोपक रखें। ढक्कन पर गर्म गोंद के साथ क्रीम लड बनाएं। भूरे रंग के उपयुक्त रंग से कपकेक पेंट करें। गुलाबी एक्रिलिक पेंट के साथ शीर्ष पर क्रीम रंग करें। छिड़कते हुए सजाएं। नीली आंखों वाली लड़की परेशान है। बाथरूम में एक कपकेक क्यों है? क्या रेड हेड इधर उधर उसकी मिठाई बिखरा रहा है? दूसरी तरफ मैं कुछ क्रीम का आनंद ले सकती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यह क्रीम इतना सख्त क्यों है? क्या यह सूख गया है? उसने इसे खोल दिया और उसे पता चल गया कि यह एक पात्र का ढक्कन है और इसमें संगोपक है। स्ट्रॉबेरी जैम या चॉकलेट हो तो बेहतर होगा। क्या आपको हमारे स्वादिष्ट विचार पसंद आए?
क्या आप अपने मेकअप बैग को लंच बॉक्स में बदलने के लिए तैयार हैं? अपनी टिप्पणियों में लिखें कि कौन सा पकवान आप अपने पसंदीदा सौंदर्य उत्पाद के लिए पकाएंगे। सुनिश्चित करें कि आप एक डोनट के बजाय चेहरे का पाउडर नहीं खा रहे हैं, और बटन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल की सदस्यता लें और घंटी पर क्लिक करें। यह आपको याद दिलाएगा कि ट्रूम ट्रूम चैनल पर नए विचार आ रहे हैं।